ये श्रवण नगर उधर से यहाँ पर है, जहाँ पर एक समाज सेवी भूपेन्द्र सिंह ने जो आश्रित लोग हैं उनके लिए ये रखा हुआ है, थोड़ा राशन वितरण कर रहे हैं जो कि सहायता सामग्री जरूरतमंदों के पास पहुंच सके। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, जहाँ पर गोला काढ़ के और बहुत अच्छा उन्होंने रखा है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नाम भूपेन सिंह, सन ऑफ रेमिशन, सेवला श्रवण नगर से हूँ। अभी जो आपने जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा है गरीब लोगों तक सामग्री पहुँच जाए इस तरीके से आयोजन करने पर आपको क्या खुशी मिलती है? हमको ये खुशी मिलती है जैसे लोग हैं यहाँ पे विकलांग लोग हैं जो विधवा औरतें हैं उनके लिए जैसे हमने देखा है उस अपने हिसाब से अपने तरीके से हमने रखा है। जैसे हमने यहाँ पे जाना कि कोई नेता विधायक पार्षद सांसद मंत्री वगैरह जो भी लेवल के यहाँ लोग हैं पर लेकिन उनके लिए भी खाने पीने के लिए कोई बंदोबस्त अभी तक नहीं किया गया है, तो हमने जो भी पैसा लगाया है जो अपने पास से ही या अपने पास हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो कर्जा क्रिया लेकर के हमने कुछ भी किया हो पर लेकिन उन लोगों की जो भी मजबूरियां जो हमने उनके घरों में जाकर के रियल में हमने देखी हैं तो उनको हमने देखते हुए 5-5 किलो आटे का पैकेट रखा हुआ है, एक ब्रेड का पैकेट है उनके साथ में ही। हम इन चीज़ों को देखते हुए ना तो कोई पद है ना कुछ है, केवल मजदूर ड्राइवर वर्ग के आदमी हैं हम और कोई सर्विसमैन तो है नहीं, तो यहाँ पे जो भी बस्ती में हमने देखा है तो वो भी यहाँ पे ऐसे कोई खास सर्विसमैन नहीं लोग हैं, जो भी है तो विकलांग और विधवा महिला वो ज़्यादा है। 20 साल से जो भी रहते चले आ रहे हैं यहाँ पे लेकिन कोई भी गली मोहल्ला का कोई ऐसा कोई विकास नहीं है और नगर निगम से जो भी यहाँ गाड़ियाँ आती हैं तो वो हटा दी जाती है, पहले ही फ़ोन से कॉन्टेक्ट कर दिया जाता है नगर निगम से जो गाड़ियाँ आ रही हैं जो मच्छर डालने वाली जो दवा आती है। आपके क्षेत्र के जो पार्षद हैं उन्होंने आपकी गली में आके सोच लिया कि साहब यहाँ से हमने वोट लिया तो यहाँ की जनता को हम लोग देखें कि क्या परेशानी है, जो आदि परेशान है उसकी मदद करें, ऐसी पहल की उन्होंने? कभी नहीं आया अभी तक। नहीं अभी तक तो आई नहीं है सर, अभी तक तो आई नहीं है। और जो मच्छर वाली दवा है वो भी रियल में गाड़ी नहीं आ पाती है यहाँ तक, आ नहीं पाती है क्योंकि पता नहीं फोन से क्या कॉन्टेक्ट हो जाता है, जो बाहर से आती होगी रोड से चली जाती है और कागजों में तो लिख देते हैं कि हाँ मच्छर वाली दवा डाल दी गई है, या ना तो कोई गाड़ी भी आती है और ना ही ऐसी कोई यहाँ पे कोई सुविधा भी आती है, गली खरंजों वाली वो भी सुविधा नहीं है सर, बरसात में यार निकल वर्ग से हैं ये भी टेम्पू चला के ऑटो चला गाड़ी चला के अपना गुजर बसर करते हैं, इनकी इतनी इस तरीके का प्रोग्राम रखने पर इनकी सराहना करता हूँ मैं, जनवाद टाइम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सीख लेनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनके पास सब पर्याप्त मात्रा में है, तो कम से कम आज अपने हिंदुस्तान में जो गरीब मजदूर लोग जो फंसे हुए हैं उनकी मदद करें। धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।